हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका राज एंड किरण ब्लॉग्स में। क्या कर रहे हैं? मिरर में दिख रही है, दोनों जगह कियारा दिख रही है। तो राज गए हैं मंडी सब्जी लेने, मतलब दूर नहीं है, नज़दीकी थी वो मंडी, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि सुपर मार्केट वगैरह में आजकल सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा। और अभी तक हम मतलब काफ़ी दिनों से आलू और जुकीनी ही खा रहे थे, क्योंकि यही दो सब्जियां थी जो सुपर मार्केट में आ रहा था। तो फिर अब सब्जियां खाना भी ज़रूरी है, तो फिर आज राज मंडी गए हैं। अब देखते हैं वहां सब्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वो तो राज आपको आगे व्लॉग में दिखाई देंगे। तो इस वजह से जाना ज़रूरी था। हालांकि यहाँ इतनी, जैसे मैंने बताया ना, टर्की में सिचुएशन वर्स्ट है कोविड को लेकर, बट जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे इतना तो नहीं है, बट फिर भी लॉकडाउन है तो उसका पालन तो कर ही रहे थे। बट सब्जियाँ भी बिल्कुल, मतलब ना, बोर हो चुके हैं। और ख़ासतौर पर कियारा तो वैसे ही इतने नखरे करते हैं, फिर एक ही चीज़ उसे खिलाओ बार बार तो वो तो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो इस वजह से जाना पड़ा। और अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है इधर, ये देखिए। तो मैं अभी खुद भी नहाई, कियारा को भी नहलाया, और अब कायरव की बारी है नहाने की, तो फिर उसको भी नहलाती हूँ। तो अभी जा रहा हूँ सब्जी मंडी, फ्रेंड के साथ ही जा रहा हूँ, तो बाइक पे ही सब्जी लेके आ जाऊँगा। वैसे तो पास में ही लगती थी, आज थोड़ा दूर है मंडी, तो देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो अभी पहुंच चुके हैं मंडी में, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ी मंडी लगी नहीं है यहाँ पे। Karnavar bakıyordum da yok herhalde. Mevsim bitti mi? Karnavarın mevsim bitti herhalde. Patates var ya, sen getirdin mi geçen? Yoksa var da evde getirdim. Yok, yeter o ya. Daha duruyor. Aldım ben çilek. Resmi olduğu için çok çok. Resmi. İstersen bir kere var.
फ्रेंच फ्राइज क्या बना रहा था? पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। तो कियारा भी सो रखी है, कियारा और कायरो, और कियारा जैसे ही उठेगी उसको फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलेगी तो वो सरप्राइज हो जाएगी। वैसे उसे इतना मतलब पता नहीं, हमें कंफर्म नहीं है ना उसे अच्छा लगता है भी कि नहीं, बट ये है कि अगर उसे ना जैसे हम प्लेट में रखते हैं केचप वगैरह के साथ, तो उसे केचप देख के मतलब उसे कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि पता नहीं कुछ अलग सा हो रहा है हमारे घर में, तो वो इस बात से खुश हो जाएगी कि हाँ कुछ अलग बना हुआ है। खाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती है वो, बट हाँ देखने में या जो माहौल उस टाइम क्रिएट होता है वो उसे अच्छा लगता है। और मेरे आंखों के नीचे काले काले गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, तो ये है कायरो की देन। इतने भी नहीं है वैसे, पर कायरो सो नहीं रहा, मतलब रात को मुझे सोने नहीं देता, जिस वजह से कि मेरे आंखों के नीचे ऐसा हो गया है। और कायरव यहाँ पे उड़ने की कोशिश करता हुआ, इसका बस यही काम है, इसको बेड में हम छोड़ देते हैं तो ये बस ऐसे ही लगा रहता है, हाथों से पैरों से पूरी कोशिश करता है चलने, अब पता नहीं चलने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, वो तो हमें भी नहीं पता। बस जैसे इसको सीधा रखते हैं फटक से पलट जाता है खुद ही, और बस हाथ पैर मारने लगता है, चलने लगता है, ऐसे ही पूरे बेड में घूमने लगता है इधर उधर। तो इसकी वजह से हमने ये बेड भी चारों तरफ से बंद किया होता है, तकिया वकिया रख के, ताकि मतलब उनको पार नहीं कर पाता ये। और ये देखो पूरी एक्सरसाइज कर देता है ये खुद ही, और फिर थक जाता है, फिर थक जाता है जैसे ही, वैसे ही फिर वहीं पर लेट जाता है, कई बार नींद आ जाती है ऐसे करते करते इसको, फिर सो जाता है, जैसे नींद थोड़ा सा पूरी होती है फिर उठता है और फिर से वही स्टार्ट हो जाता है इसका। तो इसकी पूरी मतलब मस्त एक्सरसाइज हो जाती है खुद ही। ये देखो बस ऐसे ही लगा रहेगा पैरों से हाथों से चलने में, इधर पूरे बेड में घूमने की कोशिश करता रहता है। कायरा ये देखो, और फिर जैसे कई बार चल नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता कैसे करना है, फिर रोने लगता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, और थक के फिर सो जाता है। ये देखो भाई आज खुद ही लगा रही नेल पॉलिश। क्या है ये, क्या लगा रही भाई कियारा? क्या पेंट, नेल पेंट, वेरी गुड। देखिए जरा कैसी लगाई है, दिखाओ जरा, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे रख के लगा रही है उंगली। पता कि बोलती ना आज मैं नख लगा वन नहीं लगा ना भजन मैं वो। खा रहे हैं पहले नेल पेंट बंद करो बाबू, बंद करो बंद करो, हाँ बंद करो, हाँ पापा को दे दो, वेरी गुड। क्या ये फ्रेंच फ्रेंच फ्राई पकौड़ी ऐसी बनी, गरम नहीं हो रहा ना तेल अच्छे से, इसलिए फुल गरम चाहिए, फुल गरम का बना, फुस गरम। यार उसे ठंडा करके दे दो, दे रहे रुक जा।
पापा दे रहे। हाँ फूक मारो बच्ची, फूक, गरम है ना। कियारा ने अपना मेकअप ख़त्म करके यहाँ पे कियारा एंजॉय कर रही है फ्रेंच फ्राइज, जो कि थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं बने हैं, तो आज अब दोबारा कोशिश करें क्रिस्पी बनाए। मतलब वो एक्चुअली इस वजह से क्योंकि हमारा जो है हाँ इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो उसको ना जैसे ही मतलब ऑयल वैसे तो गर्म है, जैसे ही उसमें आलू डाल रहे तो वो फिर ठंडा हो रहा, तो इस वजह से वो क्रिस्पी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एकदम से क्या बोलते हैं हाई फ्लेम चाहिए होती है। और ये देखिए कियारा के खिलौने, जो कि हर जगह कियारा ने बिखेर रखे हैं। गुड, यू लाइक इट कियारा, यू लाइक इट कियारा, अपनी दुनिया में इस टाइम। अब वाले देखना, ये वाले थोड़ा अच्छे से गरम करके किए हैं, देखना क्रिस्पी है ना, दिखने में क्रिस्पी लग रहे हैं। ये दोबारा करें आपने फ्राई निकाल के वो किया है ना, तेल अच्छे से गरम किया, फिर क्या रहा तो, वो देखना गरम वैसे रखे अंदर से गरम होते हैं, ठंडे वाले रखे हैं। वैसे भी ये था यार खाने में तो मुझे पहले वाले भी अच्छे लग रहे थे, अब इतने दिनों बाद खा लो इसलिए अच्छे लग रहे थे, या सच में अच्छे लग रहे थे बनी अच्छे इसलिए। क्या रहा क्यों बार बार वो मेयोनीज निकाल रहे हो, शोर कर रहे हैं। तो इवनिंग स्नैक्स के बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। गर्मी इस वजह से, वैसे तो गर्मी का मौसम आ ही गया है, लेकिन इस वजह से लगती है रात को, फ्रेंच फ्राइज खाने उससे तो लगी। लेकिन क्या होता है कि हम ना दिन भर तो खिड़कियाँ खुली रखते हैं और शाम के टाइम हम बंद कर देते, क्योंकि मच्छर तो नहीं आते, पर वो बारीक बारीक से पता नहीं वो बहुत ज़्यादा जोर से काटते हैं, मच्छर भी नहीं होते वो, लेकिन वो मच्छर से भी ज़्यादा काटते हैं, तो इस वजह से हम खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते हैं। और अभी कैरब की वजह से फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं चला रहे हैं, थोड़ा सा ये सोच रहे कि थोड़ी सी और अच्छे से गर्मी आ जाए, तो देखते हैं तब तक कैरब में भी 6 महीने का हो जाएगा, तो इस तभी फ़ैन वगैरह चलाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा नहा गई थी, नहाना क्या था, हेड वॉश नहीं किया मैंने, बस सिंपल सा नहाई, और तो बस अब करनी है डिनर की तैयारी, और फिर से वही बुरा हाल होगा गर्मी से। ये मेरे को कहे थे कि इससे अच्छा रोटी बना के नहाती, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, इसलिए मैं पहले नहा गई थी। तो फिर ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।